तुसी तारा सिंह पहचानते नहीं? दुश्मनों पूछो तारा सिंह कौन है। दोस्तों थोड़ी देर से ही पर गदर 2 का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ये ट्रेलर था या फिर पाकिस्तान को रोस्ट किया गया है, ये समझने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और पाकिस्तानियों को कुछ समझ में आया, इससे पहले ही उन्होंने ये फिल्म को तो बैन कर ही रखा है, तो पाकिस्तान में ये फिल्म रिलीज नहीं होने वाली। फिल्म के डायलॉग सनी देओल के 2.5 किलो वाले हाथ जितने सख्त हैं, जो थिएटर में बैठे ऑडियंस को झूमने पर मजबूर कर देंगे। अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। 22 साल में तारा सिंह का प्यार भले ही बढ़ गया हो, लेकिन अमीना पटेल के चेहरे पे वो बात नहीं रही जो 22 साल पहले हुआ करती थी। 2001 में आने वाली गदर की एक प्रेम कथा में जो अमीना पटेल का हमने फेस देखा था, वो फेस काफी ज्यादा डिफरेंट था। वहीं फिल्म में दर्शक पार्ट 1 के विलन यानी कि अमरेश पुरी जी को बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं। वैसे लोग विलन के रूप में इस नए चेहरे को एक्सेप्ट तो कर लेंगे, पर वो पुराना मजा नहीं आएगा। अमरेश पुरी के हर एक डायलॉग पे एक अपना अलग ही अंदाज होता था, वो देखने को हम यहाँ पर मिस करेंगे। तेरे इतने चीथड़े करेगा, इतने चीथड़े करेगा, इतने चीथड़े करेगा, तेरा पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा। पहले पार्ट में तारा सिंह अपनी पत्नी को भारत वापस लाने के लिए पाकिस्तानियों को हैंडपंप उखाड़ कर मारते हैं, तो इस बार तारा सिंह अपने बेटे जीते के लिए हथौड़ा, मुक्का, लठ और बंदूक सब कुछ चलाते हैं, जिसकी एक छोटी झलक हमको आने वाले इस ट्रेलर पर भी दिखाई दी है। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। और ये डायलॉग तो यार पूरे देश में ट्रेंड करने ही वाला है। ऐसी बात बोली है कि अगर पाकिस्तानियों तक ये डायलॉग पहुंचा तो कसम से उनका तो खून ही खोलने वाला है। और हमको क्या, हमको तो मजे लेने हैं थिएटर पे। फिल्म में जो सनी देओल के एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल वही 22 साल पुराने वाले हैं। 22 साल बाद भी इनकी एक्टिंग में कोई भी बदलाव नहीं आया है, वही पुराना वाला फील देने वाला है। खैर 11 अगस्त को ये फिल्म रिलीज होने वाली है और थिएटर में धूम मचाने वाली है। आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा।